दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के एजेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि बहुत सारे एजेंट्स के बारे में। और अगर आप सोच रहे हो उसमें विनय हरी भी होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंट्स के बारे में कैसे सर्च करें। जी हाँ, बहुत से लोगों को जो है मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है कि भैया आप जिसके बारे में बता रहे हो ये तो फ्रॉड आदमी है, ये तो नकली आदमी है, ये तो ऐसा कर देगा, ये तो वैसा कर देगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंट्स के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों वो भी इंडिया के गवर्नमेंट से सर्टिफाइड एजेंट के नहीं, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्टिफाइड एजेंट्स है, जो अप्रूव्ड एजेंट्स है, उनके बारे में बताऊंगा। इसीलिए अगर आप भी किसी एजेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, बहुत दिनों से एजेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तरीका ही बता दूंगा, आप फिर ढूंढते रहिएगा। आप जिस शहर में है उस शहर में ढूंढ सकते हैं, जहां पर मैं लोकैलिटी में ढूंढ सकते हैं। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, अभी हमने पिछले हफ्ते ही एक फ्री सीवी और कवर लेटर की स्कीम चालू की थी, जिसमें दो को हमने ऑलरेडी चुन लिया है और उन दोनों को अपना फ्री सीवी और कवर लेटर मिल जाएगा। और जब उन्हें मिलेगा तो उनका रिएक्शन भी हम आपके लिए अपनी वीडियो में डालेंगे। दोस्तों आप उसके लिए बने रहिएगा। जिन लोगों को फ्री सीवी और कवर लेटर के लिए चुना गया है दोस्तों, उन लोगों ने करीब 80 से 100 कमेंट किए थे, तभी उन्हें फ्री सीवी और कवर लेटर के लिए चुना गया है। तो अगर आप भी फ्री सीवी और कवर लेटर चाहते हैं तो शिद्दत दिखाइए, कितनी मतलब बुरी तरीके से चाहते हैं आप फ्री में सीवी और कवर लेटर, वो जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना चालू कर दीजिए दोस्तों। और हां, हमारे दूसरे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहां भी जाओ, वीडियोस को चेकआउट करो, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, बाकी जितनी भी सारी चीजें होती हैं सब कर लो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिनको सीवी कवर लेटर फ्री में नहीं मिला वो हमसे सीवी और कवर लेटर नहीं बनवा सकते हैं। दोस्तों बहुत कम चार्ज लेते हैं हम लोग और आपका सीवी और कवर लेटर जो है आपको बना करके देते हैं। तो अगर आप लॉटरी का इंतजार ना करते हुए, अगर आप स्कीम का इंतजार ना करते हुए हमें फिर भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दो, और साथ ही इंस्टाग्राम, जीमेल और फेसबुक पर हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपकी सर्विस के लिए 24/7 अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू जो एजेंट्स, वेरीफाइड एजेंट्स हैं, उनको सर्च कैसे करें। सर्च करने का सिंपल सा तरीका यही है कि भैया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं दोस्तों, वो आपको फॉलो करने हैं। और फॉलो करने के बाद आप जो है दोस्तों उस एजेंट के बारे में जान भी पाएंगे और उसकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी सारी की सारी जानकारी ले पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा बोलने से अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ कि भैया कैसे आप सर्च करोगे इन एजेंट्स के बारे में और कैसे आप इन्हें कॉन्टैक्ट करोगे। तो चलिए ले चलता हूँ आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पर आपको नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन हेल्प यू विथ योर एप्लीकेशन। और उसी के नीचे अगर आप और थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजिंग अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। अब यहाँ से हम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ढूंढने के लिए मतलब लिंक्स दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। अब इनमें से किसी एक लिंक पे जो हमको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और रजिस्टर्ड, मतलब जितने भी हैं एजेंट से रिलेटेड ही लिंक्स होंगे दोस्तों। लेकिन अगर सर्च करना है किसी एजेंट को तो हमें यहाँ पर फाइंड अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर ऑफ माइग्रेशन एजेंट में जाकर के जो हमें सर्च करना है, हम लोकैलिटी, नेम और रीजन से जाकर के जो क्लिक कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर नए पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एजेंट्स गिवन नेम, एजेंट्स फैमिली नेम, फैमिली नेम यानी कि उसका सर नेम, उसके बाद MARN के बाद नीचे लिखा हुआ है बिजनेस नेम, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दोस्तों बिजनेस लोकेशन, कंट्री, स्टेट, सबर्ब, पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें जो आपको लिखी हुई है। अब इनके ज़रिए जो है आप किसी भी एजेंट को सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकेलिटी में सर्च करना चाहते हैं, अपनी सिटी में सर्च करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको जो सिटी वाले, लोकेशन वाली जगह पे अपनी सिटी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर मैं दिल्ली लिख लूँगा दोस्तों। और उसके नीचे एक ऑप्शन है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्री में, मुफ्त में, कम पैसों में आपका मतलब हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में सर्च करना है तो टिक करके एक बार सर्च कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कोई भी नॉन कमर्शियल एजेंट नहीं है जो बिना पैसों के आपको वहाँ भेज सके, इसीलिए यहाँ पर अनटिक करके फिर सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नाम निकल के आए हैं। यहाँ पर आपको उनका फैमिली नेम, फर्स्ट नेम और बिजनेस नेम भी पता चल गया, और कहाँ पर है, कंट्री में बेस्ड है, किस कंट्री में, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल गया है दोस्तों। अगर आप किसी भी एजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं उनका फैमिली नेम जो है ब्लू कलर का हो रखा है, यानी कि वो एक लिंक है, तो आपको उनके फैमिली नेम पर क्लिक करना है। और फैमिली लिंक पर क्लिक करते ही उनकी सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एजेंट का जो है
रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, रिसेंटली कब उसने रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यू करवाया है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, करंट स्टेटस जो है इनका रजिस्टर्ड है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे देख सकते हैं बिजनेस नेम में वीजा इन्फो PTY लिमिटेड, और उसके बाद इनका एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर पिन कोड, फोन नंबर, सब कुछ जो भी आप चाहो, जो भी कॉन्टैक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नेसेसरी होती है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप फोन नंबर पे क्लिक कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल आईडी पे इन्हें मेल कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके इन्हें विजिट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी डिटेल्स इनकी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसा कि ये देखिए, इनके जो अलग अलग ऑफिसेज के जो है एड्रेसेस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे, साथ ही इनके अलग अलग ऑफिसेज के एड्रेसेस के साथ साथ आपको इनका फ़ोन नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप भी अगर अपने शहर में किसी ऑस्ट्रेलिया के एजेंट को ढूंढना चाहते हैं जो कि भैया जिस पर आप विश्वास कर सकें, तो भैया इस वेबसाइट पर चले जाइए और जल्दी से जल्दी जो है इन एजेंट्स के बारे में सर्च कीजिए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, अब तो मैंने आपको भाई वेरीफाइड एजेंट्स के बारे में बता दिया जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड है, जिनके ऑफिसेज इंडिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर आप इन एजेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वेट मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।